जैसे कहते हैं कि मोह कषायों में राजा कौन, कषायों में राजा कौन, मोह राजा, पर्वों में राजा कौन, पर्वों में अभी चल रहा है ना 10 लक्षण पर्व, छह द्रव्य में राजा कौन, जीव राजा, पांच भाव में राजा कौन, पंच परम पारामित पंचम भाव है ना, कौन सा ग्रंथ है ये, नियम सार भी परमागम कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित, उसमें भी कौन सा अधिकार, तीसरा शुद्ध भाव अधिकार, कहते हैं ना शुद्ध भाव अधिकार माने टीवी होता है ना, टीवी में बहुत सारे पार्ट होते हैं पर उसमें से कोई एक पार्ट ऐसा है कि जिसकी कीमत बहुत है, कैसा है वो पार्ट, महंगा है, सभी पार्ट तो महंगे नहीं होते, एक पार्ट जो भी वो पता नहीं क्या है वो ट्यूब होगी ना थोड़ी, ऐसे यहाँ पे ये ग्रंथ नियम साधी परमागम उसके अधिकार तो बहुत सारे पर इसमें मेन अधिकार कौन सा, मेन पाठ कौन सा, कीमत किसकी है, शुद्ध भाव अधिकार, शुद्ध भाव माने यहाँ पे शुद्ध पर्याय की बात नहीं, किसकी बात है, जो सम्यक दर्शन का विषयी, दृष्टि का विषयी, आश्रय भूत जो विषयी, संसार का अभाव जिसके आश्रय से अभाव होने वाला है, ऐसा जो कारण नियम दूसरी भाषा में कहे तो कारण शुद्ध जी, आगे आए ना वो ऐसे नाम से कारण शुद्ध जी, कारण नियम है ना, पंच परम कारणाम भाव, और अभी जो नाम कौन सा आया 39 नंबर की गाथा में निर्विकल्प तत्व, कितनी गाथा अभी तक देखी हमने, 38, 39 और 40, और हमने तक 41 नंबर की गाथा भी चालू कर दी, 38 नंबर की गाथा में किससे ध्यान कराया, सात तत्व के समूह, 39 नंबर की गाथा में किसे रेजल कराया, साथी परिणाम बंद मान अपमान के उदय, कर्म का उदय, और चौथा बेदन हर्ष और शोक के परिणाम भी आत्मा में नहीं है, बराबर। फिर 40 नंबर की गाथा में चार बंद के प्रकार, प्रकृति नहीं है, प्रदेश नहीं है, स्थिति नहीं है, अनुभव नहीं है, चार बंद भी नहीं और कर्म का उदय भी नहीं। फिर 41 नंबर की गाथा में किसे रेख ज्ञान कराया, पांच भावों में से चार भाव वाला आत्मा नहीं, तो आत्मा का कैसा, आत्मा कौन, जो परम पारिणामिक भाव है वो आत्मा है, क्योंकि चार भाव बताए थे ना, चार भाव एक समय की परिणाम,
और पारिवारिक भाव वो ठिकान रहने वाला भाव। कई बार तूफान हो, बाहर हल्ला मच रहा है और वो व्यक्ति अपने घर में है तो बोलो सुरक्षित है कि कोई डर? सुरक्षित है ना। ऐसे ही यहाँ पे पर्याय में तो है, क्या है? राग द्वेष चुकी और दैहिक भाव, पर पारिणामिक भाव तो अपने घर में सुरक्षित है कि नहीं? हाला है कि अपने घर में सुरक्षित। हर समय अपने को कैसा मान रहा है पता है? एक समय की पर्याय वाला, राग वाला। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समय की साई भाव वाला भी आत्मा नहीं हुआ है, तो राग वाला शुभ अशुभ परिणाम वाला ये आत्मा हो गया, ये तो बहुत दूर की बात। इतना अद्भुत तत्व हमें गुरुदेव जी ने दे दिया, इतना निकृष्ट था और बात कैसी थी, उत्कृष्ट। आंगन होता है ना, घर का आंगन, पर्याय आंगन जैसी है और द्रव्य कैसा है? घर जैसा है। आंगन वो घर का हिस्सा तो दिखता है पर है कि नहीं? नहीं है ना। ऐसे वो पर्याय तो दिखती है हमारी, पर पर्याय ये आज तक द्रव्य को बोलो छुआ नहीं, स्पर्श किया नहीं और उसने द्रव्य में आज तक पर्याय का प्रवेश हुआ अभाव है। काला है तो देखो औदयिक भाव भेद बताए थे इस पर। औदयिक भाव के भेद कितने बताए थे? 21। पारिणामिक भाव के 3, सार्वजनिक भाव के 18, साई भाव के 9 और औक्षणिक भाव के 2। अब उसके औदयिक भाव में पहला भाव है, पहला भेद औदयिक अज्ञान। औदयिक अज्ञान एक भेद क्या है औदयिक भाव में? औदयिक अज्ञान। सयोक्तिम ज्ञान में, सयोक्तिम ज्ञान में 18 भेदों में से सुमति सुश्रुत और कुमति कुश्रुत ऐसे 4 भेद हैं। बाकी के भेदों को नहीं देखना, अभी क्या देखना अपने को? औदयिक अज्ञान। सुमति सुश्रुत को एक नाम दे दो सम्यक ज्ञान और कुमति कुश्रुत को एक नाम दे दो मिथ्या ज्ञान। तो अब अज्ञान कितने प्रकार, अज्ञान कितने हो गए? 2 हो गए ना, औदयिक अज्ञान और मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ये तीसरा। 3 चीज हो गई, औदयिक अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। फिर से क्या कहा? औदयिक अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अब आप बोलोगे औदयिक अज्ञान क्या है? औदयिक अज्ञान जब तक पूर्ण केवल ज्ञान नहीं होता है ना, तो जो अधूरा ज्ञान है ना, आवरण वाला ज्ञान, अधूरा ज्ञान जब तक पूर्णता ना हो, जो अल्पज्ञता है उसको कहेंगे औदयिक अज्ञान। हाला है तुम्हें मिथ्या ज्ञान माने क्या? मिथ्या ज्ञान स्व और पर को एक जानना, एक है नहीं एक जानना, ये शरीर और आत्मा को एक जानना, एक जानना वो हो जाएगा मिथ्या ज्ञान। अब तीसरा है शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानना, अब ये क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। 3 चीज हो गई, औदयिक अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। औदयिक अज्ञान तो कोई चीज जानने में नहीं आ रही है ना, उसको तो कहेंगे औदयिक अज्ञान। शरीर और आत्मा, राग और आत्मा एक जानना, उसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान। और राग और आत्मा को भिन्न भिन्न जानेंगे
हो गया कमी अभी। तो भाई उदाहरण से हम समझते हैं, 50-100 रुपये की नोट है, किसी के पास 100 रुपये की नोट है, 100 रुपये की नोट को 50 रुपये की नोट जानी, वो हो गया कोई का ज्ञान, वो क्या हो गया, वो और भी कम ज्ञान हुआ, क्योंकि उसको 100 रुपये की नोट संबंधी ज्ञान नहीं है ना, ये हो गया और भी कम ज्ञान। अब 100 रुपये की नोट से मैं सुखी, 100 रुपये की नोट मेरी, मैं इससे सुखी, ये कौन सा ज्ञान, ये लिख दिया ज्ञान। और 100 रुपये की नोट का मैं तो जानने वाला, मेरे से भिन्न ना मैं उसे सुखी ना वो मेरी, ये हो गया अलग तीन चीज, औदयिक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और फल अलग, माने ज्ञान की पर्याय तो एक, उपयोग एक, पर के साथ जुड़ान हुआ, पर में एकत्र बुद्धि हुई, पर को अपना जाना, तो उसी ज्ञान पर्याय का नाम कर गया मिथ्या ज्ञान। और ज्ञान उपयोग की पर्याय स्व के साथ जुड़ी, उसमें एकाकार हुई, तो उसी ज्ञान को कह देंगे सम्यक ज्ञान। हालांकि ऐसे तीन भेद पारिणामिक भाव के तीन भेद देखे थे। औदयिक भाव, देखो लड़ाई तो दो के बीच में ही करनी है, ऑप्शनिक साइप्शनिक और साइट, ये तीन तो अभी प्रकट नहीं हुए, अज्ञानी को ऑप्शनिक साइप्शनिक और साइट है कि नहीं, तो किसके बीच में, किसके बीच में विज्ञान करना है, दो के बीच में, कौन कौन सा, और देख भाव, और दो को विज्ञान दिया तो पर्याय में ऑप्शनिक सार्वजनिक साइट प्रकट करना पड़ेगा, नहीं प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। औदयिक भाव का स्वरूप जाने, पारिणामिक भाव का स्वरूप जाने, है ना। औदयिक भाव कितने समय की, औदयिक भाव नाचवान के त्रिकाल, औदयिक भाव विश्वास करने लायक के नहीं करने लायक, औदयिक भाव किसके आते से होता है, परि के आते, औदयिक भाव सुख का कारण के दुख का कारण, दो जीव के औदयिक भाव कभी मिलने वाले, और अपन किसके पीछे दौड़ते हैं पूरा टाइम, औदयिक भाव है ना, औदयिक भाव लक्ष्य करने लायक नहीं मिलना, औदयिक भाव से भिन्न अपने को पारिणामिक भाव देखेगा तो यहाँ पे दृष्टि सम्यक हुए बिना कहा ना, कल खाली दृष्टि बदलनी, अभी तक अपने को औदयिक भाव से देखता था, औदयिक भाव के जगह पे है, पर पारिणामिक भाव में औदयिक भाव है कि नहीं, नहीं है ना, नहीं है। बोलते ना महंगी होती ना, महंगी महंगी का महंगी दिखती है कैसी, हरी है कैसी, है लाल लगाते हैं रात को, सुबह उठते हैं तो ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि लाल ही है, शरीर दिखता है कैसा बाहर से, सुंदर है कैसा, है कैसा, अशुची गंदगी का पिंड, सूर्य बाहर से दिखता है कैसा, उष्ण है कैसा, है शीतल, ऐसा आत्मा दिखता है कैसा, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म वाला, पर आज तक आत्मा ये तीन वाला दिखता तो है पर हुआ कि नहीं, नहीं हुआ ना, दिखता है पर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं कभी औदयिक भाव वाला हुआ ही नहीं, क्योंकि औदयिक भाव एक समय की कर अशुचि, और मैं कहता सदा रहने वाला, आज और उसके बाद जो 42 नंबर की बात, आज
तीन गाथा करनी है। कौन से मतलब की गाथा तक पहुंचना है? 40 कहा था ना 31 नंबर की गाथा वो तो एंजी है, 47 नंबर की गाथा चलाने वाला गार्ड है, और बाकी की सारी गाथाएं डिब्बे है। आज तीन गाथा 42 नंबर की गाथा पे आई है। 42 दिवस ने क्या बताया, 42, 43 और 44 ये चार गाथा का समूह देखेंगे। गाथा का पाठ करते हैं पहले 42 नंबर की गाथा। चतुर्गति ब्रह्मण जन्म मृत्यु रोग कितने प्रकार से आचार्य देव ने भेद ज्ञान कराया। अब क्या क्या नहीं आत्मा में पारिणामिकाव क्या नहीं हुआ है, चार गति परिक्रमण नहीं। पहला लिखे जाना नंबर 1 चार गति नहीं, दूसरा जन्म मरण नहीं है ना, जन्म और मरण नहीं, दो चीज हो गई। पहली क्या बताई, चार गति वाला नहीं, जन्म मरण वाला नहीं, फिर कहा रोग नहीं, शोक नहीं, जरा नहीं, तीन चीज क्या कहा, रोग नहीं, शोक नहीं और जरा नहीं, तीन हो गई। फिर से गति वाला नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, फिर रोग शोक जरा नहीं। आगे नीचे की लाइन है, फूल नहीं, योनि नहीं, जीव स्थान नहीं और मार्गना कांडी। जीव स्थान कितने प्रकार के कहे, जीव स्थान यहाँ पे दिए है। सीता में अपन सीता को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सीता में सारे भेद ही बताए। सीता में जीव स्थान के भेद कितने बताए, 14। फिर आप देख लेना घर के साथ 14 जीव स्थान, मार्गना स्थान कितने, 14 मार्गना, मार्गना स्थान भी 14, जीव स्थान भी 14। अब कूल और योनि, आप बोलोगे कूल और योनि में क्या अंतर, कूल क्या और योनि क्या। कूल माने शरीर की रचना होती है ना, उसको कहेंगे कूल। और जहाँ वो जन्म लेता है वो जन्म लेने के जो स्थान है ना उसको कहेंगे योनि। यहाँ पे बताया है इसलिए फूल है, फूल मिला कर टीका में भी वो टीका है, टीका है, इसलिए कहते हैं ना ग्रंथ सामने रखोगे तो जल्दी से समझ में आ जाए। फूल कितने हैं, 157,00,000,000,000। इतने तो क्या है, इतने प्रकार की शरीर की रचना है। और योनि से सबको पता है 84,00,000 योनि दिया। ना आत्मा फूल वाला है, ना आत्मा योनि वाला है, ना आत्मा मारना वाला है, ना जीव धान वाला। इन सभी से यही कौन है, मैं कितना बड़ा, मैं त्रिकाल रहने वाला, और ये सब इतनी बड़ी इतनी छोटे एक समय हालांकि इसका काली एक समय। जो ये शिकारी की दृष्टि करता है उसकी पैया लेते ही ये सब का क्या हो जाता है, फिर गुणस्थान रहते हैं कि गुणस्थान अतीत हो जाता है, फिर मारना स्थान होते हैं कि मारना स्थान अतीत हो जाता है। स्वभाव तो गुणस्थान अतीत ही है ना, पर पर्याय ही स्वभाव के दर्शन करके क्या हो जाती है, गुणस्थाना नीच हो जाता। कल कहा था ना प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य माने द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलाकर कौन सा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य। उसमें से
द्रव्य स्वभाव के देखना वस्तु को। द्रव्य स्वभाव वो हो गया क्या, शुद्ध नहीं, समझ आ रहा है, शुद्ध नहीं। पर्याय को क्या कर दिया, गौर, और किसको मुख्य किया, द्रव्य को मुख्य किया। हाल आ रहा है, उसको कहेंगे द्रव्याधिक नहीं। और जहां पर्याय को मुख्य किया और द्रव्य को गौर किया, अनुभूति भाई, पर्याय को मुख्य किया, द्रव्य को गौर किया, तो हो गया पर्याय अधिक नहीं। मुख्य गौर का काम है, देखो, अनुभूति के पहले, अनुभूति के पहले आत्मा संबंधी के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे, पर अनुभूति के समय क्या हो जाएगा, वो विकल्प टूट के क्या हो जाएगा, निर्विकल दशा आ जाए। माने आत्मा को समझने के लिए सुनना, वो विकल्प आत्मा संबंधी के विकल्प साधक है। साधक क्यों कहा, क्योंकि आत्मा को समझने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ेगा, प्रमाण और नई से वस्तु को समझेंगे। माने अनु समझने के लिए तो वो विकल्प क्या है, साधक, पर अनुभव के लिए वही विकल्प। ख्याल आ रहा है, दीदी का बहन क्या कहा, आत्मा को समझने के लिए तो विकल्प साधक, पर अनुभूति के समय वही विकल्प, वही विकल्प बाधक। क्योंकि जब तक विकल्प करते रहेंगे तब तक नहीं होगी ना। जब एक चाह का उदाहरण को समझते हैं, चाह पीते हैं ना चाई, जब चाई बनाते हैं, चाई बनाते हैं तब तो चाय पत्ती, अच्छा चाय पत्ती के बिना चाय बनेगी नहीं बनेगी ना, तो चाय बनाने के लिए तो चाय पत्ती साधन, क्योंकि उसके बिना, पर जब चाय पिएंगे तब चाय पत्ती के साथ ही पी लो ना, तब क्या करते हैं, बाहर में तो कितने होते हैं, जब क्या करते हैं बराबर चाय पत्ती को आनेंगे कि नहीं। अच्छा एक कण रह जाए तो, एक कण दोबारा बनेंगे, क्योंकि वो पीने के लिए तो बाधक और बनाने के लिए ऐसे ही है ना। आत्मा समझने के लिए विकल्प साधक, क्योंकि भेद से किसको समझेंगे, अभेद, पर अब अनुभूति के लिए भेद विकल्प बाधक है ना। कहते ना बेंसी भेद, अब जिंदगी और निषेध जाल के बस खाओ, कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं। हालांकि उपयोग का किसके साथ जुड़ा होता है, उपयोगवान के साथ, किसके साथ कनेक्शन, उपयोगवान के साथ। जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा तब तक पर्याय में अनुभूति होने वाली नहीं है। वो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स, उसमें क्या होता है, वो अग्नि टकराने के लिए दीवार लगी, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, माफी, उसको किसके साथ जीतते हो, मैच बॉक्स के साथ जीतते है ना, बस तो क्या प्रकट होता है, अग्नि प्रकट होती है। ऐसे उपयोग को किसके साथ जीतना, उपयोगवान के साथ। जब उपयोग जीतेगा तो क्या प्रकट होगा, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुए बिना है। गुरुदेव कहते हैं ना, दो उपयोग, स्थूल उपयोग और सूक्ष्म उपयोग। स्थूल उपयोग माने क्या, पर द्रव्य का लक्ष्य हो तो स्थूल उपयोगी है, पर गुण गुणी का भेद सुनना,
पर्याय पर्याय वन का ढेर, उसको भी कहा डाल दिया कूट उपयोग में। और जब सूक्ष्म आत्मा लक्ष्य में आता है तो उसी उपयोग को क्या कहते हैं, सूक्ष्म उपयोग। गुरुदेव उदाहरण देते हैं उसमें, कोलते को पकड़ने के लिए और हीरे को पकड़ने के लिए अलग अलग चिमटा दी है ना। कोलते को पकड़ने के लिए मोटा और हीरे को पकड़ने के लिए इंदिरा जी सूक्ष्म छोटा। ऐसे ऐसे बुद्धि कैसी हो जाती है, बार बार अपनी बुद्धि कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। उपयोग कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म, क्योंकि आत्मा कैसा है। गुरुदेव कहते ना, अनुभूति के समय में उपयोग ऐसा सूक्ष्म हो जाता है, ऐसा किसानी में एकाकार हो जाता है कि बाहर बैंड बाजा भी बच्चे हो, क्या बच्चे हो तो भी बंदा ना चले। ऐसा उपयोग उपयोगवान में एकाकार हो जाता है। अबे बाहर में क्या चल रहा है उसका तो ख्याल ही नहीं। देखो अपना स्वभाव है ना, अपना ज्ञान का स्वभाव, अपना ज्ञान का सबका स्वभाव कैसा है, स्व पर प्रकाश कैसा है, स्वभाव तो है स्व पर प्रकाश, पर उपयोग में ना, उपयोग अपना सचमत्य के उपयोग में एक समय में एक ही ने जाने ले आए, या तो स्व और या तो पर। फिर से स्वभाव सबका कैसा, स्व भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आ रहा है, पर उपयोगात्मक अपने सचमत्य में अपना उपयोग एक समय में एक ही दिन, दो दिन को उपयोग उपयोगात्मक नहीं जान सकता। या तो उपयोगात्मक पर को जानेगा या तो, जब तक पर में उपयोग लगा रहेगा तब तक स्व जानने में। इसलिए तो कहते ना चक्रा अठार की गाथा में, सबको आत्मा जानने में तो आ रहा है तो भी आत्मा को जानो ऐसा उपदेश क्यों दिया जा रहा है। प्रश्न क्या आया, सत्राचार्य की गाथा में क्या कहा, आबाल गोपाल बज्जा ने भगवान आत्मा को सबको, तो फिर उपदेश में ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा को जानो, क्योंकि उपयोग आत्मा को एक समय में ये जीव एक ही जिले को जाने, या तो स्व और या तो पर। जब स्व जानने में आएगा तब पर क्या हो जाएगा, घोर हो जाएगा। और जब स्व जानने में आया तो यहाँ पे निर्विकल जगह अतिय आनंद की जगह आए बिना है। कितना कमाल का काम, गजब का काम, हमको ऐसी निधि बता के कुन कुन आचार्य दे, गुरुदेव ने हमको क्या कर दिया, निहाल कर दिया। लाग्या लाग्या आग्या आग्या सुंदर सुंदर दिल दीजे हरी पधारा। कहाँ से आए, क्या लाए अपने लिए, समय का शुद्धात्मा है ना। समय का तो अद्भुत है पर नियम चार भी अद्भुत है, माने नियम चार में तो अपनी ही जीत का है, एक बारे अनुभव और किसी की बात ही नहीं थी। नास्ती से कथन किया ना ये सारी बात, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, और अच्छी से मैं कैसा ज्ञान स्वभावी आत्मा खड़ा है। देखो अबे यहाँ पे ये सारे ज्ञान नहीं है, गुरुदेव जी का एक बोल याद आ रहा है, आत्मा में दुख नाम की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है, दुख नाम की शक्ति नहीं है। आत्मा में सुख नाम की शक्ति है,
इसीलिए उच्च शक्ति को उछाल उछाल उछाल। कितनी बार कहा विजय ने? कहा तीन बार। क्या कहा? ख्याल आ रहा है क्योंकि मेरे लिए कुछ नाम की इंसिडेंट का बोल है। जैसे वो होता ना गोरिल्ला, वो नीचे क्या होता अंडर अंडरग्राउंड, वहां पे खजाना पड़ा रहता है। खजाना है, कोई जीव वो गोरिल्ला में जाता है, बात एक पेटी पड़ी है खजाने की, ताला लगा है, वो ताले को कैसे खोलेगा? चाबी से खोलेगा ना। जैसे वो चाबी से ताला खुला, क्या हुआ? खजाना मिल गया और दरिद्री मिट गई, दूर हो गई। ऐसे डेंसी बहन ने बोल ने कहा है कि उपयोग दबाव के अंदर जाए। कौन सा ताला तोड़ना है? मिथ्यात्वरूपी ताला। कौन सी चाबी से? ज्ञान की, भेद ज्ञान की चाबी। और जैसे ताला टूटा, क्या हो गया? कौन से निदान मिले? करोड़ों रुपयों के कौन से निदान मिले? अनंत सुख के निदान, अनंत ज्ञान, आनंद, प्रभुता, ये सारे निदान पर्याय ले जगत हो। वहां पे कहा ना दरिद्री मिट गई। ऐसे यहाँ पे चार गति रूप परिक्रमण, भगवान का क्या बन गया? लघु नंदन बन गया। वही माला में गाते हैं ना पूजा में, भगवाता नितावन की निज में ही क्षमता क्षमता है। किसमें क्षमता है? किसमें है? कहीं बाहर है कि मेरे में? किसको मिटाने के लिए? भगवाता चार गति को नाश करने की शक्ति किसने पड़ी है? मुझने पड़ी है। भगवा का मिटावन की निज में ही क्षमता क्षमता है। अनजाने में पर की झूठी ममता है। अनजाने मैंने की पर की झूठी ममता है। अनजाने मैंने अज्ञान दशा में मैंने पर की क्या की? ममता की। चलो बड़े पंडित जी का एक बोल है, पत्रावली है ना, पढ़ते हैं बहुत बार, बहुत सुंदर सुंदर एक एक पत्र में लिखा है। जानू बहु पत्रावली जब का पत्र, जब के पत्र लिखे। जैसे के माता बच्चे को सुधारने के लिए, माता बच्चे को सुधारने के लिए कहाँ भेजती है? गुरुकुल में भेजती है ना, गुरु के पास। ऐसी परिणति को सुधारने के लिए कहाँ भेजो? चैतन्य गुरुकुल में भेजो। जैसे बच्चा गुरुकुल में जाता है तो सुधर जाता है कि नहीं? ऐसे ये परिणति चैतन्य तत्व में जाती है तो परिणति भी क्या हो जाती है? सुधरे हुए तत्व का आश्रय ले तो परिणति भी। बोलते ना पारस मणि, ताकत कैसी? लोखंड पारस मणि को स्पर्श करे तो लोखंड भी सोना बन जाए। ऐसे पर्याय द्रव्य को स्पर्श करे तो पर्याय भी कैसी हो जाए? निर्मल हो जाए। यहाँ पे इसके बाद वाली जो गाथा है ना 43, इसमें भी कितने से भेद ज्ञान कराया। देखो यहाँ पे कितने बोल लिए, जैसे वहां पे लिए थे ना कितने 9 बोल लिए थे। देखो एक बार 42 नंबर की गाथा में, जिनसे अपन चार गति एक, जन्म दो, मरण रोग शोक 5, जरा 6, कूल 7, योनि जीव स्थान और मार्गरा स्थान 10 चीजों से आचार्य देव ने क्या कराया? मैं 10 चीज वाला
अब देखो 43 नंबर की बात है, 43 पहले पाठ करते हैं साथ में। निरगंगा अरुणीरा लिंगा नीरा मम नीरा नीराग नीरा मूर नीरा भर नीरा लंबर आगे मां नीरा दोजे। निर्द्वंद पहला शब्द, निर्द्वंद माने निर्दंड माने निर्दंड, निर्दंड माने दंड रहित, दंड रहित, दंड माने अपराध, दंड माने क्या, कौन सा अपराध, अपराध कौन सा अपराध, जो विकल्प होते हैं ना भाव कर्म रूपी अपराध और उससे जो आठ कर्म आते हैं दुनिया में, आठ कर्म वो हो गए द्रव्य कर्म रूपी अपराध। दो अपराध कौन से, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों दंड से आत्मा कैसा है, निर्दंड है। दंड के सामने निर्दंड एक हो गया। दूसरा निर्द्वेज, निर्द्वेज माने निर्द्वेज, निर्द्वेज द्वेष माने क्या, द्वेष माने द्वेष होता है दोपना, द्वेष माने क्या, द्रव्य और पर्याय, ये द्वेष हुआ ना, द्वेष माने भेद, द्वेष माने दोपना। बोलो त्रिकाली में भेद है कि नहीं, त्रिकाली में दोपना है कि नहीं, त्रिकाली तो एक ही है, अभेद है, अखंड है, इसे त्रिकाली कहता दूसरा नाम दिया निर्द्वेष, पहला नाम क्या दिया निर्दंड, दूसरा क्या दिया निर्द्वेष, क्योंकि द्वेष पना नहीं दो पना नहीं। तीसरा कहा निर्मम, क्या गजब के विशेषण दिए, हाँ तीसरा क्या कहा निर्मम, निर्मम माने क्या, निर्मम माने ममता रही, किसकी ममता, पर की ममता से आत्मा रहित है, इसे आत्मा कहता निर्मम। चौथा नी शरीर, ये तो ख्याल आ गया कि नहीं, शरीर कितने प्रकार के, पांच है ना, तो शरीर पांच प्रकार के शरीर से आत्मा कहता। अच्छा आत्मा को कोई शरीर है कि नहीं, कोई तो शरीर, कौन सा शरीर, बहुत बढ़िया, आत्मा को एक शरीर है, कौन सा, ज्ञान शरीर, समझ में आ रहा है, चार हो गए, निर्दंड निर्द्वेष निर्मम नी शरीर। पांचवा निराग माने क्या, जितने क्या नहीं, याद क्या लिया है बताए टीका में, टीका पढ़ना, निराग में 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, निराग मिथ्यात्व नहीं, क्रोधमान माया लोभ नहीं और 9 प्रकार की कषाये, इसलिए निराग हुआ। निर्मूढ, निर्मूढ़ माने जिसमें मूढ़ता नहीं, मूढ़ता कब हो, जब ज्ञान से रहित हो तो मूढ़ता हो, मेरा आत्मा किससे सही है, ज्ञान से सही है, इसलिए मेरा स्वभाव मेरा आत्मा निर्मूड है। निर्मूड माने क्या, मूर्ता नहीं, मैं किससे भरा हूं, ज्ञान से भरा हो गए ना। निर्भय, मेरे स्वभाव में कोई भय, कोई भय है कि नहीं, मैं कैसा हूं, निर्भय। देखो चौथे गुण स्थान में जब परिणति स्वभाव सम्मुख होती है, अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है, तो उस समय भय से क्या हो जाता है, रहित हो जाता है, क्यों भय से क्या हो जाते हैं, रहित हो जाते। फिर अच्छी साजन्य भले वो विकल्प रहे,
पर अपने निर्भयी तत्व का क्या हो गया, ज्ञानियों को ध्यान हो गया। इसके बाद कहा निरावलंबन, निरावलंबन माने क्या, बोलो आत्मा को किसका अवलंबन है, परद्रव्य का, पर्याय का, क्योंकि आत्मा तो सदा से कैसा है, निरावलंबन। कितने विशेषण हुए, पहला निर्दंड, दूसरा निर्द्वेष, तीसरा निर्मम, चौथा निशरीर, पांचवा निराश, छठा निर्मूल, सातवा निर्भय, आठवा निरावलंब, और एक लास्ट रह गया नौवा आत्मा सदा काल कैसा है, निर्दोष। अपने को तो अनादिकाल से कैसी आदत है दोष ही देखने की। गुरुदेव क्या कहते हैं, दोष मत देखो, क्योंकि पारिणामिक भाव कैसा है, निर्दोष ही है। हालांकि दोष देखेंगे तो दोष ही दिखेंगे, और स्वभाव से देखेंगे तो अपने भी दोष नहीं दिखेंगे और दूसरों के भी, है ना, क्योंकि पारिणामिक भाव निर्दोष। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लौ कर्म से सही कैसा है, निर्दोष। सरल है ना ये गाथा, कितनी सरल है। जैसे कोई चीज जैन कुल में जन्मता है बच्चा, बोलो कंद मूल, मांस भक्षण, शराब छूट जाता है कि नहीं, ऐसे यहां कहता है कि परिणति ऐसे कैसे स्वभाव, जो नौ विशेषण दिए ना, ऐसे स्वभाव का आश्रय करे तो परिणति में से क्या छुटता है, सारे दोष परिणति में है वो सारे छूट जाए। देखो दोष भी स्वभाव निर्दोष है, और पर्याय में फिर से स्वभाव कैसा और पर्याय में दोष है, पर पर्याय कितने समय की। अपन ये कहते हैं कि कोई कोई बच्चे की आदत खराब हो तो अपन क्या कहते हैं, थोड़ी सी आदत खराब है, पर बच्चा तो टॉप है ना, थोड़ी सी अभी क्या है, मन आदत बिगड़ी है, वस्तु बिगड़ी की नहीं। गुरुदेव उसके लिए वो शेर का उदाहरण सुने, शेर का बहुत बार देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना शेर का, शेर का बच्चा है कौन, शेर का बच्चा। जब वो छोटा था ना, छोटा, तब वो अपने माँ बाप से बिछुड़ गया, भूला पड़ गया, किसकी संगति में आ गया पता है, गीदड़ों की संगति में, गधों की। अब वो बच्चा है शेर का, पर मानने क्या लगा अपने आप को, गधा। उसका पूरा बात बिहेवियर देखो तो उसकी आदत कैसी, गधे कैसी, डरपो, डरा हुआ, भयभीत। पर उसी समय वो है कौन, उसी समय आदत है गीदड़ के, पर उसी समय है कौन, सीधी वाली है कौन। अब एक दिन उसका पिता आया, कौन आया, पिता आया। अब वो पिता ने क्या कहा, तू छोड़, क्योंकि तू कौन है, तू शेर है, तू मेरा बच्चा है, तू कहा गीदड़ों की संगति में, क्योंकि तेरी जाति शेर जैसी है, गीदड़ जैसी। पर अब वो माने नहीं, क्योंकि बहुत साल हो गए ना गीदड़ों के साथ, अब माने नहीं, अब क्या करे, बोलो वो विश्वास कराने के लिए क्या करे। तो वो पिता ने युक्ति सोची, युक्ति सोची, क्या सोची, कहा लेके गया,
पानी के पास सर सुनेगा समुद्र में देख अपने को और जहां वो बच्चा अपने को समुद्र में देखता है जैसे उसने देखा क्या हो गया? ओहो मेरा चेहरा तो इसके जैसा गीजर के जैसा 50% तो विश्वास अभी पूरा अभी नहीं हुआ। अब पूरा करने के लिए कितने परसेंट बाकी? 50%। अब केयर कहता है तुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना, तू एक प्लाट मार। क्या मार? एक कहा क्या बोलता भिंडी में? लोग प्राण बोलते हैं। एक मार, एक गर्जना कर। क्या हुआ बोलो? एक गर्जना वो करता है, तारे जो गीजर थे वो भाग गए कि नहीं? ऐसे यार, अब तो उसको पूरा क्या हो गया कि मैं कौन है कि नहीं? ऐसे गुरुदेव हमें कहते हैं मैं कौन, मेरी जाति कौन। जिन मंदिर में आए तो 50% तो विश्वास हो गए। किसको देख के? सोनागिरी के मंदिर में, जिन मंदिर में सिमंदर भगवान को देख के 50% तो विश्वास। मैं कौन? कौन सी जाति वाला? भगवान की जाति वाला। रोज पूजा में करते हैं ना, कितने भाव भरे। 50% तो पूजा में ही। अब 50% कब होगा? मारो गर्जना करो। एक जायक में गर्जना करे अनुभूति हो तो 50% बोलो विश्वास हुए बिना। माने एक जायक का अनुभव हो तो मैं जायक हूँ ऐसी अनुभूति हो तो मिथ्यात्व भागे बिना लेगा लेगा। ख्याल आया तुम्हें? ऐसा विश्वास ले, एक एक गाथा दिलाती है। आज 3 गाथा का था और आज 2 गाथा ही है। अपन कल ने 1 गाथा करके फिर आगे की जो गाथा है ऐसे गाथाओं का पाठ करके अपने स्वभाव का अवलंबन लेके गाय की अनुभूति करके अनंत काल विद्यालय में विराजमान हो जाए ऐसी मंगल भावना।